कहते हैं प्यार हर मुश्किलों को पार कर लेता है, कुछ ऐसा ही केरल में हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्यार का एक अलग और नायाब चेहरा देखने को मिला। जहां सोमवार को एक ट्रांस प्रेमी जोड़ा प्यार का जश्न मनाते हुए शादी के बंधन में बंध गया। कल वैलेंटाइंस डे पर दुनिया भर में प्रेमी प्रेमिकाओं ने एक दूसरे को उपहार देकर प्यार जताया, तो वहीं ये ट्रांसजेंडर कपल मनु कार्तिका और श्यामा एस प्रभा शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि शादी अपने आप में ही खास है, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी को ट्रांसजेंडर श्रेणी में रजिस्टर्ड करवाया, जो भारत में पहली ऐसी शादी है। So after this marriage and everything, so we will finalize and we will go to the High Court with all the legal documents and with the all the needed all the transgender act and everything is there. So we need we collect all the details and the paperwork is almost complete. So after the marriage and this ceremony, we will just approaching the High Court. वही वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे विवाह स्थल को खूबसूरती से सजाया गया था, जहाँ फूलों की महक और जगमग करती रोशनी उनके प्यार की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। शादी में रिश्तेदारों ने भी खूब धूम मचाई, तो वहीं नाच गाने के साथ ही विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद नए नवेले इस जोड़े ने सभी का आशीर्वाद लिया। मनु बताते हैं कि ट्रांसजेंडर का समाज में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, लेकिन उनकी माँ के हौसले ने उन्हें बड़ा बनाया है। उनकी माँ उन्हें कहती थी कि वे पढ़ाई करें, काबिलियत से ही वे अपनी पहचान बना सकते हैं। आज अपनी मेहनत से ही मनु एक मल्टीनेशनल कंपनी के HR हैं। वहीं मनु ने बताया कि श्यामा की भी कहानी उनसे मिलती जुलती है। उन्होंने भी पढ़ाई के दम पर अपना एक मुकाम बनाया है, अपने परिवार को संभाला और साथ ही उनके लिए एक घर भी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।